मशहूर टीवी सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविंद 17 वर्ष की उम्र में अभिनय की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। रामायण सीरियल में अपने अभिनय से उन्होंने अपने कैरियर को ऐसी ऊंचाई दी कि भगवान श्री राम के प्रसंगों को उन्होंने जनमानस के बीच जीवंत कर दिया है। उनके अभिनय कौशल से पूरा विश्व प्रभावित है और भगवान राम के जीवन संदेश को हर घर तक पहुंचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री अरुण गोविल जी को। जय श्री राम। राम दुनिया का इतना छोटा सा शब्द, लेकिन सुनने में कितना मीठा, बोलने में कितना पावन, और इसकी महिमा अगर देखें आप, यदि एक बार कहा तो भगवान का नाम हो गया राम, यदि दो बार कहा तो राम राम हो गई, तीन बार कहा तो राम 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 संवेदना हो गई, और चार बार कहा तो भजन हो गया राम 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 राम, और अंत में तो भाई राम नाम, उसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। हम सब जानते हैं कि वो हमारा हम सब का अंतिम पड़ाव होता है, लेकिन आज दशहरा है, दशहरे में भी एक अंतिम पड़ाव है इनका आज जीवन का, लेकिन हमारे लिए दशहरा जो कहता है, जो हमें देता है, जो हमें सिखाता है, वो है कि आज के दिन अनीति पर नीति की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो जीवन के लिए जोश जरूरी है, उत्साह जरूरी है, विजय का एहसास होना जरूरी है और विजय बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी विजय किसके प्रति होनी चाहिए? हमारी विजय रावण नाम के एक शत्रु के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, केवल हमारी विजय होनी चाहिए हम पर। यदि हम अपने को जीत पाए तो हम सारी दुनिया को जीत पाएंगे, और जीतने का अर्थ यह नहीं होता कि हम उसके बाद रावण की तरह दुराचार शुरू कर दें, अधर्म शुरू कर दें, क्योंकि पावर बहुत ज्यादा करप्ट कर देती है कुछ लोगों को। कहते हैं धन और पावर, ये दो चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को करप्ट कर देती है, लेकिन ये बात रावण के साथ तो कही जा सकती है पर राम जी के साथ नहीं कही जा सकती। राम जी के पास धन भी था, अयोध्या के युवराज थे जब वन को गए, और पावर भी थी, परमात्मा थे। तो ये बातें हमें रामायण से सीखनी चाहिए। रामायण को केवल एक मनोरंजन की दृष्टि से न देखें, रामायण से जो सीख हमें मिलती है वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम किसी भी तरफ हो, लेकिन वो सीख ऐसी है कि उससे हमारे जो विकार हैं, जो मानसिक विकार हैं, यानी कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पांचों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दशहरे के दिन आइए हम संकल्प लें कि हम किसी और पर नहीं, पहले अपने आप पर विजय पाएंगे, तब हमारा हर साल दशहरा मनाना सफल हो जाएगा। और मैं आप सबके, मैंने कह तो दिया कि मनोरंजन की दृष्टि से ना देखें, और ये बात सही भी है, लेकिन मैं आपके सामने एक संवाद रखना चाहूंगा जो मनोरंजक तो है ही, लेकिन उसमें कितनी सीख है ये आप देखिएगा। वो संवाद है भगवान श्री राम और रावण के बीच। आप लोग इधर ज्यादा हैं, मैं अगर थोड़ा सा आपकी तरफ इधर देखकर बोलूं तो मुझे लगता है शायद मुझे भी ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा जोश आ जाएगा।
रावण जब युद्ध क्षेत्र में आ गया तो उसकी भेंट हनुमान से हुई सबसे पहले, और हनुमान ने उसे उसकी छाती पर एक घूसा मारा जिससे रावण बेहोश हो गया था। फिर लक्ष्मण से हुई उनकी भेंट, तो लक्ष्मण ने उनके रथ को तोड़ दिया, रथ का पहिया टूट गया, रथ की ध्वजा टूट गई, खड़क टूट गई। और एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण, उसे धरती पर खड़ा होना पड़ा। और तब भगवान राम ने उनसे क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कितनी सीख है उस संवाद में। वह रावण, वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया, तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो। परंतु कितने दुख की बात है कि अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय चिंता, अशांति और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तेरे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा की बेल्ट ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे के चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्रों की गिनती और पार्श्विक बल की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति कोई धर्म नहीं होता, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्ते शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। रावण, इस समय तुम शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो। यह है रघुवंशियों की वीरता कि हम निहत्ते शत्रु पर हाथ नहीं उठाएंगे। अब जाओ, कल फिर शस्त्र लेकर आना। रावण ये जानता था कि उसे कोई नहीं मार सकता, काल उसके वश में था। रावण यह भी जानता था कि केवल भगवान ही उसे मार सकते हैं। रावण यह भी जानता था कि श्री राम भगवान है, स्वयं भगवान है। उसने अपने अहंकार को भी इस तरह से मोल्ड किया, यह उसकी बुद्धिमानी की बात थी, कि उसने सीता माता का हरण करके भगवान राम से वैर मोल ले लिया कि मैं इनके हाथ से मारा जाऊंगा और तभी मुझे मोक्ष मिलेगा। और यही हुआ भी। जब अगले दिन रावण युद्ध क्षेत्र में आया तो भगवान राम ने उसकी मृत्यु उसे सौंप कर उसे मोक्ष दिला दिया। एक तरफ रावण था ऐसा और दूसरी तरफ भगवान राम, कि इतनी शत्रुता होते हुए भी रावण ने इतनी शत्रुता निभाई उनसे उसके बाद भी, क्योंकि रावण की इच्छा थी मोक्ष प्राप्त करने की, प्रभु राम ने उसे मोक्ष दे दिया। तो इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से प्रभु की उपासना करेंगे, तो जो हमारी इच्छाएं हैं वो अवश्य पूरी होंगी। फिर वो चाहे तन की इच्छा हो, मन की इच्छा हो, या फिर धन की इच्छा हो। इसी के साथ एक बार आप सबको दशहरे की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम।